कल युगे हम लोग निराशावादी नहीं है, आशावादी है। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, सबको झुकना पड़ता है। यूनाइट एट ए प्लेस एंड दे विल कम ऑन द रोड। कई सालों से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो इस बात को नहीं सुन रहे। सिर्फ एक ही मुद्दा है, लगभग कई सालों से हम लोग भी देख रहे हैं, कई बार कवरेज करने भी जब आप कवरेज करने गए थे तब डिमोलिशन की बात चल रही थी, जो कलेक्ट्रेट कैंपस में कलेक्ट्रेट का उनके सबॉर्डिनेट्स की कोर्ट थी जब, और उस समय इसको जो बिल्डिंग गिराई गई उस समय उसी को कर्म 3 मंजिला 4 मंजिला बनाने का प्रपोजल था, उसी का नक्शा पास था। उसके बाद जब बिल्डिंग गिर गई और उसको 3.5 साल बीत गया तब उनको कोई जवाब नहीं आया कि आखिर क्या कारण है इसके पीछे की अब तक वो बिल्डिंग बनी नहीं। तो उन्होंने इनको भटकाने की ज्यादा आदत है, उसी भटकाव में है कि अपना नाम दूसरे परिसर को ले आया जाए, नक्शा अमेंड किया जाए, कोई पूछ ना पावे कि 4 साल से गिरी पड़ी हुई क्या, क्यों पड़ी हुई है। इस नाते वो भटकाव की स्थिति में कर रहे हैं, और जिस दिन अगर होगा तो उनको हिसाब देना पड़ेगा। अभी तो हाँ हिसाब देना पड़ेगा, तहसील अभी तहसील के फॉर्मेशन के कर्म है 8 महीने पहले लाखों रुपया खर्च करके वो तहसील बनाई गई, और फिर 4 महीने बाद वो बिल्डिंग लाखों खर्च करने के बाद वो बिल्डिंग गिरा दी गई, और गिराने के बाद का नाम है उसको बनाया गया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है ये किसका पैसा है, हमारा आपका गरीबों का पैसा है या उनका पैसा है। कई सालों से देखा जाए कलेक्ट्रेट कचहरी के भवन निर्माण का मामला लंबे समय से तुल पकड़ता जा रहा है, लगातार वकीलों का आंदोलन भी हो रहा है, लेकिन कोरा आश्वासन दे के अधिकारी कहीं न कहीं उस बात को ठंडा कराने का प्रयास कर रहे हैं। और आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में कलेक्ट्री कचहरी के अधिवक्ता प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिलाधिकारी ने लगातार जो आश्वासन दिया था उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, पिछले लंबे समय से ये लोग आंदोलन की राह पे हैं। क्या कहेंगे, किस मुद्दे को लेकर आप लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं? हम लोगों का जो है कलेक्ट्रेट परिसर में सरकारी धन से जो है 10-12 साल के अंदर 2 मंजिला पक्का भवन जो है जिसमें चेंबर और हॉल नीचे है और ऊपर चेंबर है और एक लोहिया छाया कुंज है पक्का, और उसके बाद 4 बड़े बड़े शेड हैं जो सरकारी धन से बने हैं। इस शेडों के अलावा भी तमाम अधिवक्ताओं के शेड अपने खर्चे से बने हैं। इस सारे को ध्वस्त करके जो है जिला प्रशासन जो है यहाँ पर विकास भवन स्थापित करने की योजना बना रहा है, जबकि हम लोगों की मांग है कि जहाँ कलेक्ट्रेट जो है भवन था DM साहब का और 7 अन्य न्यायालय और पुलिस कार्यालय, 3 पुलिस कार्यालय थे, वहीं पर उस स्थान पर वो कार्यालय और जो है न्यायालय बनाया जाए। कलेक्ट्रेट परिसर में जो है बाहर के किसी विभाग को विकास भवन इत्यादि 41 विभाग जैसा कि जानकारी में आया है कि लाने का प्रयास किया जा रहा है, बाहर के विभागों को इस परिसर में ना लाया जाए, अन्यथा की स्थिति में पूरी न्यायिक प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, किसी बाधकारी को न्याय ही नहीं मिल पाएगा और अधिवक्ता तो वहां से जो है बेदखल ही हो जाएंगे, अधिवक्ता विहीन कचहरी हो जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन जो है अधिवक्ता विहीन करने पर एकदम आतुर है, अडिग है, और जो है लगातार जो है वो दबाव बना रहे हैं कि आप लोग खाली कर दीजिए और आप ये बिल्डिंग तोड़ करके जो है ये जो है विकास भवन इत्यादि के जो है भवन बनाए जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग जो है अभी तक तो जो है इस बात को लेकर के अभी मांग कर रहे हैं, अभी आंदोलन की शुरुआत होगी हम लोगों की, और यदि जो है जिला प्रशासन जो है नक्शा संशोधित नहीं किया तो हम लोग इस आंदोलन को जो है जिले स्तर, मंडल स्तर, प्रदेश स्तर, देश स्तर ले जाएंगे। लेकिन हम लोग किसी की भी कीमत पर जो है जहां पर कलेक्ट्रेट भवन में अधिवक्ता विधि व्यवसाय करते हैं उस स्थान को जो है तोड़ने नहीं देंगे। पिछले बार भी अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर आए थे तब लोग वहां तक गए थे, सांसद भी वहां से मिले थे, अधिकारियों ने आप लोगों को आश्वासन दिया था, उस आश्वासन पर कितनी कार्रवाई हुई अभी तक? हम लोग जो है एक बार जो है गोकुल भवन पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे और उस समय तत्काल सांसद रवि किशन जी जो है वहां पर आए और उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोगों की मांगों पर निश्चित रूप से सहानुभूति पर विचार किया जाएगा, और जिलाधिकारी के प्रतिनिधि भी जो है ADM आए और उन्होंने भी आश्वासन दिया, यहाँ तक कि DM साहब ने भी कहा कि जो है DM साहब रास्ते में हम लोग लौट रहे थे मिले और उन्होंने कहा ठीक है आप लोगों की मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन DM साहब और आज तक जिला प्रशासन शासन स्तर पर कोई भी हम लोगों के जो है मांगों पर विचार नहीं किया गया, और आज भी जो नक्शा जो है हम लोग को तोड़ करके बनाए जाने के लिए जो है बनाया गया है
वही नक्शा आज भी कायम है। हम लोग जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की तरफ से और तमाम हमारे सम्मानित अधिवक्ताओं की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में रिट भी दो दो दाखिल किया गया है, जिसमें डीएम साहब ने लिखा है कि बिल्डिंग जो है जीर्ण शीर्ण है, जबकि 10-12 साल की बिल्डिंग बनी हुई है। सारे फोटोग्राफ माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किए गए हैं। 400 अधिवक्ताओं की दस्तक करा करके जो है इस मांग को लेकर के जो है शासन को भेजा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया, प्रमुख सचिव नियोजन को भेजा, राजस्व को भेजा गया, कमिश्नर और डीएम साहब को भेजा गया, लेकिन आज तक जो है हम लोगों की मांगों पर जो है विचार नहीं किया गया। निश्चित रूप से यदि जो है तत्काल इस पर जिला प्रशासन ने समय रहते जो है विचार करके नक्शा संशोधन नहीं किया गया तो यह आंदोलन जो है बृहद रूप स्वरूप ले लेगा। आप लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने का काफी प्रयास किया, समय मांगा? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम जो है कैंप कार्यालय में एक बार गए थे और वहां से जो है जो हम लोगों 400 अधिवक्ताओं की हस्ताक्षरित पत्र था उसको वहां के कार्यालय से भेज दिया गया और भेजने के बाद जो है हम लोगों ने रजिस्ट्री भी माननीय मुख्यमंत्री जी को किया और वहां से कार्यालय से बताया गया कि वहां जो है सूचना दे दी गई है। पुनः एक बार मुख्यमंत्री जी आए तो हम लोग मिलने गए तो पता चला कि कार्यालय द्वारा बताया गया कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आप लोगों का प्रकरण है। पिछले बार भी टीन सेट को खाली कराने के लिए काफी मीडिया के बंधु भी समय गए थे जब कार्रवाई होने जा रही थी, क्या आपको लगता है किस तरह की कार्रवाई करने से? पिछले बार भी ये चर्चाएं थी कि इसको उजाड़ दिया जाएगा, बुलडोजर लगा के ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की काफी चर्चा रहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि जो है कि देखिए अधिवक्ता तो दूसरे को न्याय दिलाने का काम करता है, लेकिन जिस दिन अधिवक्ता आ जाएगा अपने पर वह अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ लेगा और निश्चित रूप से जो है यह कई अधिवक्ता कमजोर नहीं है और अधिवक्ताओं की जो मांग है कि वह जो है हम लोगों के परिसर में जो है किसी बाहरी विभाग को ना लाया जाए। यह राजस्व न्यायालय परिसर है, यहाँ पर बाहरी विभागों को लाने का कोई औचित्य नहीं और वो भी हम लोगों के सरकारी धन से बने हुए जो है इतने बड़े बड़े जो है इमारत को जो है दो दो मंजिला को तोड़ करके जो है और जो है सरकारी धन का ये अपव्यय करके जो है इस तरह से कार्रवाई हम लोग जो है कतई रूप से बर्दाश्त नहीं करते। अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचती है और आपके उचित मांग को जायज नहीं ठहराते तो फिर आगे की क्या रणनीति? हम लोग इसी नाते जो है प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग कह रहे हैं कि माननीय जो है मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात जाएगी, शासन तक जाएगा, जिला प्रशासन तक जाएगा कि हमारी मांगों पर निश्चित रूप से विचार होगा और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जो है समय रहते जो है हम लोगों की मांगों को पर विचार किया जाएगा। हम लोगों की मांग जेन्युइन है, कहीं से जो है उसमें जो है कोई कोताही नहीं है, लिहाजा जो है हम लोग यदि इनकेस जो है शासन प्रशासन यदि हम लोगों की मांगों विचार नहीं करता है तो हम लोग जो है धरना अनशन प्रदर्शन और इस आंदोलन का स्वरूप जो है बृहद स्तर पर लेकर के जो है हम लोग लड़ाई अपनी लड़ेंगे। तो ये कलेक्ट्रिक कचहरी के अधिवक्तागण थे, कलेक्ट्रिक का जो भवन है उसका लगातार विवाद कई सालों से चल रहा है अधिकारियों अधिवक्ताओं के बीच, जिसको लेकर आज ये लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं।